सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किया था 12 नंबर तक, ये सब मल्टीप्लाई किया था 12 नंबर तक। अभी आज हम करना है हमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10। ओके, हम 8 और 9 को नहीं कर रहे हैं, आप भी कट कर दो, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो आपको याद होगा जब इसको, ये सब क्या है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये क्वेश्चंस को वर्ड प्रॉब्लम। हमें कोई चीज़ में एडिशन कब करना होता है, जब उसमें क्या लिखा रहेगा, टोटल, सम, ऑल टुगेदर, हमने लास्ट वीडियोस में देखे थे। सब्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए, हाउ मेनी मोर, स्टिल या फिर एक्सीड, EXCEED, एक्सीड, ऐसे वर्ड्स रहते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा मल्टीप्लाई कब करना होता है। हम एक क्वेश्चन में तब मल्टीप्लाई करेंगे जब इन तीनों में से कोई एक वर्ड होगा, ईच, पर या वन, ईच, पर या वन, इन तीनों में से अगर कोई भी वर्ड आपको दिखाई देता है क्वेश्चन में तो आपको समझ जाना है आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 2, एज द पार्ट ऑफ अवॉइड प्लास्टिक कैंपेन, मतलब प्लास्टिक यूज नहीं करना है, ईच दिख रहा है आपको, ईच, EACH आपको ईच दिख रहा है, ईच, इसका मतलब क्या करना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई, ईच, क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई, इस क्वेश्चन में क्या करना है, मल्टीप्लाई। ईच ऑफ 745 स्टूडेंट्स मेड 25 पेपर बैग्स, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पेपर बैग्स मेड। आप बोलोगे यहाँ पे सर टोटल भी दिया है तो प्लस करना चाहिए था, लेकिन ईच दिया है ना, इसमें ईच वर्ड आया है ना, तो क्या करने का, मल्टीप्लाई। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ईच मतलब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 745 मल्टीप्लाई बाय 25, 745 मल्टीप्लाई बाय 25, मल्टीप्लाई करने का अच्छे से, जो भी आंसर आएगा लास्ट में लिखने का। आपको क्वेश्चन में पूछा था ना व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पेपर बैग्स मेड, तो लिखने का द टोटल नंबर ऑफ पेपर बैग्स मेड इज 18,625। समझ में आ गया। सो मुझे कैसे मालूम पड़ा, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसमें वर्ड था ईच। वैसे सेकेंड क्वेश्चन अगर, सॉरी थर्ड क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छे से, सो देखो इसमें भी एक वर्ड रहेगा ईच, दिख रहा है आपको, इसमें भी इसमें ऑल टुगेदर भी लिखा है, लेकिन ईच लिखा है ना, सो ईच दिया है मतलब क्या करने का, मल्टीप्लाई। वन कंप्यूटर कॉस्ट रुपीज, तो इसमें सॉरी टू से थर्ड में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा, 215 मल्टीप्लाई बाय 132, ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कंप्यूटर कॉस्ट 27,540 रुपीज, हाउ मच विल 18 सच कंप्यूटर कॉस्ट, मतलब अगर एक वन कंप्यूटर का कॉस्ट इतना है, ऐसे में 18 कंप्यूटर लूंगा तो उसका कॉस्ट कितना होगा, मतलब कॉस्ट मतलब पैसा कितना होगा। देख रहे हो वन लिखा है, वन, ओ एन ई, वन मतलब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई, क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई, ठीक है। कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे, ये वाला और 18, जो भी आंसर आएगा लास्ट में लिखने का, 18 सच कंप्यूटर्स कॉस्ट रुपीस, जो आंसर आएगा वो। वैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसमें आप देखो, इसमें 5000 रुपीस पर, PER पर मतलब क्या करने का, उसमें मल्टीप्लाई, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने का। हाँ, सो क्वेश्चन में दो नंबर कौन से मल्टीप्लाई होंगे, 5,154, जो भी आंसर आएगा लास्ट में लिख देने का। द टोटल अमाउंट ग्रांटेड टू दैट तालुका इज, जो आंसर आएगा वो, इसमें टोटल दिया है, आप बोलोगे प्लस करना है सर, लेकिन पर दिया है ना, इसलिए बोल रहा, जब भी ईच, पर या वन आता है तो भी मल्टीप्लाई करना है, भले ही टोटल दिया हो तो भी मल्टीप्लाई करने का, क्यों, क्योंकि ईच या पर वर्ड दिया है। इफ अ सर्टन टू व्हीलर कॉस्ट रुपीज दिस, हाउ मच विल 35 सच टू व्हीलर्स कॉस्ट, आपको इंग्लिश में पता होगा, अ मतलब कितना होता है, वन, अ मतलब कितना होता है, वन, और जब वन है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, इसलिए इसमें दो नंबर्स कौन से मल्टीप्लाई होंगे, दिस एंड दिस, मल्टीप्लाई करने का लास्ट में जो भी आंसर आएगा लिखने का, कि उसका 35 टू व्हीलर्स का कॉस्ट कितना होगा, जो आंसर आएगा वो। वैसे ये भी करना है, ये देखो वन आर, वन मल्टीप्लाई करने का, क्या मल्टीप्लाई होगा, ये और ये, जो आंसर आएगा लास्ट में लिखने का। एट और नाइन्थ नहीं करना है, टेंथ वन भी वैसे ही है, वन ट्रैवलर, वन वन मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा,
7650 and 26, जो दो नंबर दिए रहते क्वेश्चन में उसको मल्टीप्लाई कर देने का। मुझे कैसे मालूम पड़ा इसमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसमें क्या लिखा था 1, ये नंबर ऊपर ये नंबर नीचे, मल्टीप्लाई करो जो लास्ट में आंसर आएगा। लास्ट में लिखने का द कॉस्ट ऑफ 26 such travelers इज रुपीज, जो आंसर आएगा वो। समझ में आ गया? सोचे से करना, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना।